कैसे लोक और परलोक का सुख गृह आश्रम में प्राप्त हो, यह विषय इस मंत्र में कहा है। आतिष्ठेत्यस्य गौतम ऋषि गृहपतयो देवताः आर्ष्यानुष्टुप छन्दः गांधारः स्वरः उपयामेत्यस्य आर्ष्योष्णिक छन्दः ऋषभः स्वरः। ओम आतिष्ठ वृत्रहन रथं युक्ताते ब्रह्मणा हरि अर्वाचीना गंसूते मनोग्रावा कृणोतु वग्नुना उपयाम गृहीतोसीन्द्राय त्वाषोडशी न एषा ते योनिरिन्द्राय त्वाषोडशिनी। गृह आश्रम के अधीन सब आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब गृह आश्रम के आधार पर ही संचालित होते हैं। जो मनुष्य वेदोक्त गृह आश्रम के कर्तव्यों को करता है, वह इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गृह आश्रम की सेवा और पुरुषार्थ करता है और सब आश्रमों को यथासंभव सहायता करता है, उससे उसका लोक तो सुधरता ही है, परलोक अर्थात अगले जन्म में भी उसे इस पुण्य कार्य के फलस्वरूप सुखद गति और ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। जो गृह आश्रम का धर्म अभी बतलाया है, उसका राज विषय में उपदेश अगले मंत्र में कहा है।